क्योंकि मेरे जन्म में ड्यूटी है, तेरा रूप है अद्भुत, तेरी उत्तम देवी जगत कल्याण जगत में आया परम व्यास है, इसलिए मैंने जगत के कल्याण को व्यू में रख करके इस राज को खोल दिया, ताकि जो समझदार आदमी है वो मत भी तसर में ना आए। तुम्हारा मर्जी है, तुम राम को पूजो, तुम्हारा अपना मन है, तुम कृष्ण को पूजो, तुम्हारा अपना मन है, तुम देवी को पूजो, तुम्हारा अपना मन है, गुरु को पूजो, तुम्हारा अपना मन है, इसके लिए किस लिए आप उसमें झगड़ा करते हो? जो ताकत एक आदमी देवी की पूजा से ले सकता है, वो एक ताकत श्रीचंद के रूप से ले सकता है, वो एक ताकत मोहम्मद के रूप से ले सकता है, वो एक ताकत किसी के रूप से ले, फिर हमारा झगड़ा क्यों? इस ख्याल से मैंने इस बात को जाहिर किया, ये मैं जानता हूँ कि इस मेरे साफ ज्ञानी से अज्ञानी जीवों का जो मुक्त जी है उनको अंधविश्वास में धक्का पहुंचता है, मगर वो तो अंधविश्वास अगर रहेगा तो वो इस भवसागर से पार नहीं जा सकते। एक आदमी एक राम पर कृष्ण पर सारी जिंदगी विश्वास रखता है तो वो जन्म मरण से नहीं बच सकता, क्योंकि वो किसी दूसरे का सहारा लिए हुए हैं, नहीं समझ में आती है। तो मैंने अगर ये काम किया है तो मैंने अपनी नीयत से बिल्कुल सच्चाई से किया है। तुम्हारा अज्ञान का विश्वास ठीक है, मगर अज्ञान का विश्वास रखोगे तुम भवसागर से पार नहीं जा सकते, क्योंकि तुम्हारा अपना भवसागर प्रेम से अच्छा रहेगा, मगर भवसागर से पार नहीं जाओगे, पार तो जब जाओगे या तुम मन को छोड़ जाओगे। आगे जी बचताए जो थे बार भवसागर से कीने पार। कैसे भवसागर से पार किए मैंने आपको बता दिया, ये पता ही हरा समी जाल किस तरह भवसागर से दुनिया को पार करते हैं, संत कैसे पार करते हैं मुझे नहीं पता, जैसे मैं पार हुआ मैं वो बताता हूँ, सिर्फ इस एक ख्याल से कि मैं किसी के अंदर नहीं जाता, बस इस एक ख्याल ने मुझको भवसागर से पार जाने का मौका बख्शा, यकीन हो गया ना कि जो कुछ मेरे अंदर प्रकट होता है ये माया है नहीं। और बात यही तुलसीदास रामायण में, तुलसीदास ने कही है, कोई फर्क राधा स्वामी मत में सनातन में नहीं है, वो कह दिया गो गो चर जहाँ लग मन जाई तहाँ लग माया फिर जाने वो भाई। क्या फर्क है महाराज? तुलसीदास के इस कहने से गो गोचर जहाँ लग मन जाई तहाँ तक माया फिर जाए, अब जो राम का ध्यान करता है तुलसीदास कहने का मतलब वो माया नहीं है, जो कृष्ण का ध्यान करता है माया नहीं है, जो बाबी फकीर का ध्यान करता है माया नहीं है, जिसके अंदर देवी देवता पर माया नहीं है, कोई फर्क नहीं। सिर्फ मतलब यह है कि किसी को इस तरह किसी ने इस सच्चाई को बयान नहीं किया। मैं हैरान होता हूँ, मैं कोई फर्क नहीं था मुझे सनातन धर्म में, और मैंने सनातन धर्म का राम सनातन छोड़ दिया, मानव धर्म रख दिया। आगे सागर अति गहर गंभीर सतगुरु पूरे बांदी धीर। भवसागर कितना बड़ा है? जिस्मानी एहसासात भवसागर, मानसिक तमाम एहसास भवसागर, आत्मक जितने खुशी सब भवसागर है। उसमें क्या है? पूरे गुरु ने धीरे दिया, हौसला दिया, अभी चल तेन पार कर देंगे, चल आगे। तन मन धन ये ले जगात शिष्य उतारे गही कर हाथ। तन मन धन की जुगात गुरु लेता है, दुनिया ने ये मशहूर चुंगी जुगात करे, चुंगी को किसी शहर जाना हो तो चुंगी वाले चुंगी मंगे मंगे इस तरह से जाने वास्ते तन मन धन गुरु लेना है। दुनिया ने ये समझा हुआ है कि तन से गुरु की सेवा करते रहो, मन से गुरु के धन बाबा नानक धन बाबा फकीर धन राधा स्वामी करते रहो, और धन गुरु के घर पर पढ़ते रहो, दुनिया ने यह समझा हुआ। अरे तन मन धन की जुगाड़ के मैंने क्या है कि इंसान सत्संग में बैठकर बात को समझे
और उसको ये यकीन गुरु करा दे रहे कि बेवकूफ फकीर चंद तू जिस्म नहीं है, ये तू मन नहीं है, ये तन वगैरह तेरा नहीं है। जिस शख्स को इस बात का ज्ञान हो जाता है, वैराग हो जाता है, सिर्फ वो शख्स इस पवसागर से पार होता है, दूसरा नहीं होता। तुम 20,000,00,000 रुपया गुरु को दे दो, तुम पवसागर से पार नहीं होगे। तुम गुरु की मिट्टियां चाप चाप के पैर चार चार की चोते रहो, तुम पवसागर से पार नहीं होगे। पवसागर से पार तुम कब होगे? जब तुम्हारे दिल में ये यकीन आ जाएगा कि भाई ये जिस्म तो मेरा नहीं है, ये मन के खैरात भी मेरे नहीं है, कान अपने आप ही चला गया। जब तक ये यकीन किसी को नहीं आता उसके दिमाग के अंदर, वो सिर्फ पटक के मर जाए, वो पवसागर से पार हो ही नहीं सकता। या प्रेसिडेंट साहब बैठे हुए हैं, बैठिए, सुन रहे हैं मेरी बात को, मैंने क्या कहा आपको? बहुत गहरी बात है, बहुत गहरी बात। गहरी बात नहीं, जी चुस्त दुनिया ने समझा नहीं है। लोगों ने यही समझ लिया बानी पढ़ के, बस पड़ोस कड़ी को क्या कहते हैं, तन मन धन की ले जगात, शिष्य उतारे गही कर हाथ। तो जब इंसान अपने मन से समझ लेता है तो अपने आप ही भगवान के पार हो जाएगा। जब उसका अटैचमेंट नहीं जाएगा, नहीं समझ में आती है, अफसोस मुझे लफ्ज नहीं मिलते, जो कुछ मैं कहना चाहता हूँ आज कल मेरे पास लफ्ज पूरे नहीं है। आगे सूरत बहे की नौधार, ताही चढ़ाया गगन मंझार। जब हमारा मन, हम अटैच होते हैं तो हमारा मन जिस्म की तरफ, इन ख्यालों की तरफ चलता रहता है ना, तो जब ये बंद हो जाते हैं फिर जब इंसान अपने अंदर जाता है फिर आगे क्या होता है, पढ़ो। गगन जाए धुन शब्द सिहारी, देखा रूप ज्योत अति भारी। जब मन इस तरह से अटैचमेंट छोड़ जाता है तो फिर आगे उसके प्रकाश है, ज्योति है और शब्द है। अब मुझको, मैंने बड़ा अभ्यास किया है, 12-12 घंटे किया है, अब भी करता हूँ, मगर अब जो करता हूँ वो और है, पहले जो करता था वो और है। मैंने आपको बोला कि दाता ने जब काम दिया था तो मुझे कहा था, मैं सिताई का कहते थे, जब गुरुवाई जी ने कहा था तुझको सच्चा सदगुरु सत्संगियों के रूप में मिलेगा जो तुमको मंदिर पर पहुँचाएगा। तो जब से तुम लोग मुझे मिले, तुमसे मुझे ज्ञान मिला, तो मैं तो जाता नहीं, तो मैं आगे जाना चाहता था, इस वास्ते मैं अब मन को छोड़ जाता हूँ, आगे प्रकाश है। ये अथवा आगे।